दोस्तों बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, यस बैंक के अंदर आज अगेन फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों हाल ही के अंदर एक बड़ा अपडेट एनसीयू की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट यहां पे की गई थी कि कंपनी दोस्तों माइक्रो फाइनेंस के अंदर यहां पे उतरने वाले एंड दोस्तों उतरने के लिए यहाँ पे कोई नई छोटी मोटी कंपनी को खरीदने की तैयारी करेगी। कोई अगर बिकवाली हो तो कंपनी यहाँ पे जो यस बैंक है वो खरीद सकता है। तो इससे अपडेट देखने को मिले, उसके बावजूद अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी आप साफ साफ देख सकते हो कि किस कदर तक यहाँ पे लोग बेचने को तैयार है। अभी के टाइम देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाले रुके हुए, शॉर्ट टर्म में तो लोग बेच के निकल रहे हैं। बिक वाली आ रही है तभी तो स्टॉक गिर रहा है। अगर बाइंग यहाँ पे आती तो ये गिरता नहीं। डाटा अगर देखा जाए आज का अपडेट क्या है एंड अभी के टाइम करना क्या रहेगा, सही डिसीजन हमारा क्या रहेगा जो कि हमें प्रॉफिट देके जाएगा, तो वो इस वीडियो में अपन टोटली यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। देखो मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन करने वाले हैं। अगर डाटा देखा जाए दोस्तों, आज एक बढ़िया वॉल्यूम थी, अराउंड 25 करोड़ 82 लाख शेयर यहाँ पे हमें वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड ओवरऑल देखा जाए तो अभी का टाइम बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है 23,000, अराउंड 24,000 शेयर बाइंग ऑर्डर में हमें पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है। एंड मेन चीज यहाँ पे कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है स्टॉक का वो भाई बहुत कम है, अराउंड यहाँ पे 14% शेयर खरीदे गए हैं। देखो दोस्तों आने वाले 3 महीने बाद क्या होगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है ना, बट हम एक चीज देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो है कंपनी का फाइनेंस, कंपनी के एक्शन, कंपनी किस कदर से अपने फाइनेंस को सुधारने पे तुली हुई है, कंपनी आने वाले टाइम में अपने फाइनेंस जो यहाँ पे कंपनी के प्लान है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कंपनी रेगुलर दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। हाल ही के अंदर यहाँ पे अपडेट पे आया था कि कंपनी दोस्तों नया प्रमोटर्स भी तलाश रही है यहाँ पे, तो ऐसे भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिले थे। एंड कई सारी चीजें हैं जो अभी के टाइम कंसोलिडेट स्टॉक को करवा रही है। बड़े जो यहाँ पे प्रमोटर है भाई, प्रमोटर की जो मतलब यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट है वो तो लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, बट स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस उल्टा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप चार्ट देखोगे आज का इंट्राडे का दोस्तों, तो आप देख सकते हो हमें एंड मोमेंट पे गिरावट देखने को मिली है। अराउंड देखा जाए मॉर्निंग के अंदर गिरावट थी, रिकवरी आई, फिर से गिरा, फिर से रिकवरी, फिर से कंसोलिडेट, फिर से यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला है। और देखा जाए तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली है। स्टॉक के आज के इंट्राडे हाई थे 24 रुपए 10 पैसे के, आज के लो रहे हैं 23 रुपए 25 पैसे के, तो वोलेटिलिटी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। एंड मेन चीज सबसे बड़ी दोस्तों की स्टॉक का यहाँ पे जो रियल फेयर वैल्यू है उसके बड़े अगर अपन वैल्यूएशन देखें स्टॉक की प्राइस कितना ये डिजर्व करता है, तो वो देखिए मेन चीज यहाँ पे स्टॉक की रहने वाली है बुक वैल्यू। तो अभी के टाइम अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 13 के आसपास की बुक वैल्यू, मतलब कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है जो कि आने वाले टाइम में वो इंक्रीज होंगे यहाँ पे। तो देखो मार्केट का एक रूल है यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो भाई हम क्या कि पीवी रेशो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पे पीवी रेशो के अकॉर्डिंग अगर अपन स्टॉक की वैल्यूएशन देखें तो पीवी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक को 2 गुना तक हम बाय कर सकते हैं। मतलब अगर 13 रुपए 13.5 रुपए 15 रुपए की जो भी स्टॉक की बुक वैल्यू है यहाँ पे उसको आप 2 से मल्टीपल कर लीजिए, और यहाँ पे बैठ रहा है 26 रुपए 27 रुपए के आसपास, तो स्टॉक का करंटली वैल्यू है स्टॉक है इतना। अगर ये चला जाता है तो कोई ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं कहलाएगा, बट पी अभी 65 का ट्रेड कर रहा है, तो पी को तो भाई जो कंपनी का प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में, जैसा कि आप देखोगे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये कंपनी की सेल्स 7,000 करोड़ के आसपास की, जो कंपनी भी टाइम प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो है भाई 243 करोड़ 45 करोड़, यहाँ पे देख सकते हो आप 29 करोड़, इतना कंपनी 200+ करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है हर क्वार्टर। मेन चीज यहाँ पे अदर इनकम कितनी है, तो भाई अदर इनकम देख सकते हो 1,255 करोड़ की चल रही है। अब सबसे बड़ी चीज कंपनी अपना खुद का, ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के कितने है, तो मार्जिन कंपनी के माइनस चल रही है, अदर इनकम से ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। कंपनी का जो मार्जिन है दोस्तों अभी के टाइम टोटली माइनस चल रहा है, तो जो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है ये अदर इनकम के मतलब रिलेटेड इंक्लूड होता है। जैसा कि मैं हूँ, ठीक है ना, मैंने कोई भी कंपनी उसके शेयर्स खरीद रखे हैं तो वहां से मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने अपनी कंपनी है, मैं खुद हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, तो मैं जो कमा रहा हूँ उसके पीछे जो है वो पूरी कॉस्ट लगा के, जरा मतलब कंपनी की अदर इनकम आ रही है 1200, अब उसमें से भाई कंपनी का खर्चा भी कटेगा, कई सारी चीजें कंपनी खुद कमा रही है उसका भी खर्चा कटेगा, तो कंपनी के पास बचता क्या है, टोटली अदर इनकम से बचता है 243 करोड़, बाकी सब यहाँ पे खर्चे में चला जाता है। तो धीरे धीरे जैसे कंपनी दोस्तों ग्रोथ करेगी, सोचो अगर ये चीज अभी के टाइम ये सिचुएशन नहीं होती तो ये प्राइस स्टॉक का 20 रुपए प्लस होता है, ये प्राइस होता है कम से कम 60-70 रुपए के आसपास। तो जैसे जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे होंगे यहाँ पे हमें स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आने वाले टाइम में जैसा कि ये जो कंपनी का ओपीएम भाई 18% 17% था, ये धीरे धीरे प्लस में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है, एंड यहाँ से कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व अगर देखोगे यहाँ पे तो 34,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास, जो कि पहले 6,000 करोड़ 13,000 करोड़ 21,000 करोड़ 25, यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। मेन चीज एसेट्स, तो एसेट 3,55,000 करोड़ के एसेट्स है,
कर्जा टोटल अगर देखा जाए तो कर्जे की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 3,55,000 करोड़ का ही कंपनी के पास यहाँ पे कर्जा है, तो टोटल जितने एसेट्स उतना ही कर्जा है। यहाँ पे 22 रुपए 80 पैसे का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने भी बनाया। वेट करें Q1 तक, ठीक है ना, एक अच्छा लेवल स्टॉक दिखाएगा। चैनल पे रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन खुलता है।